हेलो एवरीवन, मैं हेमा, हेमा की रसोई में स्वागत है आप सबका दिल से। आज देख रहे हैं मौसम कितना अच्छा है, अच्छी गुलाबी गुलाबी सी ठंड हो रही है और ठंड में गुड़ की चाय के तो मजे ही क्या है। आपको पता ही होगा कि ठंड में गुड़ की चाय हमको जरूर पीना चाहिए क्योंकि गुड़ की चाय बहुत फायदा करती है। मेरे पास अभी अब्रॉड से भी रिक्वेस्ट आई है कि गुड़ की चाय कैसे बनाई जाती है, तो मैं आज आपको ऐसी इजी रेसिपी बताऊंगी कि आप लोग गुड़ की चाय बनाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाएंगे और आज ही पिएंगे। चाय बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट बताती हूँ। ये मैंने लिया है, जिस कप में हमको चाय बनानी है ना उसी कप से हम पूरा 2 कप पानी डालेंगे। देखिए इसी कप में आज चाय सर्व करने वाली हूँ, तो मैंने ये 2 कप पानी डाल दिया। ये देखिए, और मैंने डाली है पूरा 1 बड़ा चम्मच चाय की पत्ती। ये देखिए चाय की पत्ती का पानी अच्छे से उबल गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें करीब 2 इंच के अदरक का टुकड़ा। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है ना। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। ये देखिए, ये जैसे उबल रहा है ना अदरक का, ये देखिए उबलता जाएगा। अब हमको 4 कप बनाने थे, 2 कप हमने पानी डाला था, है ना, 2 ही कप हम इसी के नाप से ये दूध डाल देंगे। ये देखिए, और हम इसको जब तक चलाएंगे जब तक ये अच्छे से उबाल ना आ जाए। देखिए, है ना, इसको ऐसे चलाते रहेंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे हम, जब इसमें उबाल आ जाएगा, है ना, अच्छे से उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें गुड़, जिससे कि अदरक का फ्लेवर जो है वो अच्छे से आ जाएगा। अक्सर लोगों की चाय फट जाती है इसी वजह से कि वो पहले से ही अदरक और गुड़ डाल देते हैं। और हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपकी चाय कभी भी नहीं फटेगी, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे मायके में ना हमेशा मेरे पापा जो है वो सर्दियों में सिर्फ गुड़ की ही चाय पीना पसंद करते थे और मेरे को गुड़ की चाय बहुत पसंद है। आज मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट थी गुड़ की चाय बनाना सिखाइए, तो मैंने सोचा मौसम का फायदा उठाते हैं और आपको गुड़ की चाय की रेसिपी शेयर करते हैं। कितना अच्छा उबाल आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको चलाते हुए ही हम इसको गुड़ डालेंगे। तो हमारी 4 चम्मच है ना, 4 कप चाय है, तो हम 4 चम्मच गुड़ डाल देंगे। मतलब अगर वजन से देखा जाए तो हम करीब 30 ग्राम गुड़ उसमें डाल देंगे, है ना। ये देखिए डाल दिया मैंने, और अब हम इसको लगातार ऐसे ही चलाएंगे, ना ही चाय फटेगी और चाय बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही बढ़िया सी बनने वाली। देखिए, दिख रही है आपको कितनी गाढ़ी और कितनी बढ़िया चाय है। ये बहुत फायदा करती है, इसलिए सर्दियों में इसको आप लोग बनाएं और जरूर से पिए। देख रहे हैं आप, चाय बनके हमारी एकदम रेडी हो गई है, ना ही हमारी चाय फटी है और ना ही कुछ हुआ। देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना। अब मैं इसको फटाफट छानती हूँ और इसको सर्व करते हैं और मौसम का। ये देखिए, हमने इसमें चाय छान ली और कितनी बढ़िया दिख रही है ना। ये चाय बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी जो बनी है। तैयार है हमारी गुड़ और अदरक वाली चाय। ये देख रहे हैं आप कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी बनी है ना। तो फटाफट इसको गरम गरम पीने का मजा ही कुछ और है। तो आप ही गुड़ वाली चाय बनाइए, पिलाइए और सर्दी में एंजॉय कीजिए। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को कमेंट करना ना भूले हमेशा की तरह। कल हम फिर मिलेंगे गुड़ और अदरक की चाय के साथ एक चटपटी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय अदरक वाली चाय।